हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आज टेली मसाला के कैमरे पे हमने कैप्चर किया है नवेश को। यस, क्या करते हुए? फोटोज खींचते हुए, और मैं पकड़ा गया हूं। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। मैं अकेले में फोटोज खिंचवा रहा था और ये आके देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अब यार फोटोज को खिंचवा सकते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना कोई, खिंचवानी चाहिए। आप लोगों को भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है कि हाँ, हर किसी को अपने आप को और ज़्यादा अच्छा देखना अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं खिंचवा रहा था और मैंने आज एक न्यू लुक ट्राई की अपने ऊपर, ये बियर्ड और ये दिस। तो मैंने कहा देखते हैं इसमें कैसे पिक्स आ रहे हैं। फ्री टाइम पे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा फोटोज क्लिक करना? ऐसा नहीं है, बेसिकली जो मेरी जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हमें फ़ोटो सेंड करनी होती है कि लक्ष्य के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके अंदर सारी फ़ोटो सेंड करनी होती है। बट एक साल से इसमें इतना बिज़ी था कि एक साल से मुझे कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाने का चांस ही नहीं मिला। मैं हमेशा फ़ोन से खींचता था, तो आज मुझे लगा कि नहीं यार, अब हो जाना चाहिए। बिकॉज़ जब मेरा मैनेजर है, मुझे बहुत बोलता है भाई मुझे नई फ़ोटोज़ दो, प्लीज़ नई फ़ोटोज़ दो, तो मैं उसे रोज़ बोलता हूँ हाँ कल। तो अभी 15 मिनट थे मेरे पास, तो मैंने कहा चलो देखते हैं 15 मिनट में 2-3 पिक्स हो ही जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यह है कि आपने रियल प्रॉप्स यूज़ किए हैं, जैसे कि हाँ ये टोकरी। हाँ। मेरा मन तो था कि मैं ऐसे भी फोटो लूँ, पर लाइट चली गई यार। अब लाइट चली गई तो क्या कर सकते हैं, हमारी नेचुरल लाइट चली गई। ठीक है, अब वेट करूँगा कल फिर से इनका यूज़ करूँ। और जिन लोगों ने इसको ख़रीदा है, जिन लोगों का है ये, चुपचाप यहाँ पर आके अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा के चला जाऊँ। वैसे व्यूअर्स को बता दें, ये जो लोकेशन कर्टिसी है, आप देना चाहोगे किसी को? ये जो लोकेशन है वो हमारे साथ में एक शो है, उनका है। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया इस लोकेशन पे, बट मैं चोरी छुपे आया हूँ यहाँ पे और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है पहला वो आपका फ़ोटोशूट, पहले वो पिक्चर्स जो आपने सेंड किए थे फॉर योर ऑडिशन? ऑडिशन यार मैंने मेरा फर्स्ट मुझे याद है फर्स्ट मेरा एक फ्रेंड था जिसको आई थिंक अच्छे से कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था, और मेरे पास कैमरा था, तो मैंने कहा चल आज फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो हम लोग ऐसी जगह पे गए, पता नहीं कल्याण साइड ऐसी जगह पे गए जहाँ पे मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। और उस दिन मतलब इतना था कि हॉरेबल था, बट ये है कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हो गई। तो हम लोग ऐसी जगह पे गए जहाँ पे इतना पानी था। लोकेशन मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा लोकेशन होगी देखा जाएगा वापस। मतलब मैंने देखे थे अपनी आंखों के सामने कि सांप जा रहे हैं, मैंने कहा भाई छोड़, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे था कि मैं इतना मतलब मेरी नीज तक मैं कीचड़ के अंदर वॉक करके गया, बट ऊपर की फ़ोटोज़ ली तो सबको लगा कि आई एम सर, बट नीचे नहीं पता था कि नीचे क्या है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, और वो दिन था और आज का दिन है, तो बहुत सारे डिफरेंसेज आ गए हैं। बट उस टाइम पे मैं इतने सारे पैसे अपनी फ़ोटोज़ पे नहीं लगा सकता था, किसी कैमरामैन को नहीं दे सकता था, बट अब सब कुछ चेंज हो गया है। तो वो जो स्ट्रगल था उसका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। उस स्ट्रगल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, जो फर्स्ट ऐसा ऑडिशन रहा, जब फर्स्ट रिजेक्शन किस तरह का रहा? मतलब ये तय किया था कि स्टार ही एक्टर ही बनना है? नहीं, मेरा तो कभी फिक्स था ही नहीं। मैं बस ये था, स्टार्टिंग से हार्डवर्किंग बहुत था, हार्डवर्क करना अच्छा लगता था, और मुझे बी बॉइंग पसंद थी, जिमनास्ट था मैं, तो बी बॉइंग करता था। तो पापा ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लड़का कर रहा है, तो मुझे बी बॉइंग के साथ साथ एक डांस रूम खोल के दे दिया। फिर जब मैं बॉम्बे में आया तो मैं सिर्फ डांस के लिए आया था, और डांस का भी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं था, बस मैं अपने सिस्टर के साथ रहने आया था। तो सारे ऑडिशन पे जा रहे थे तो मैं भी चला गया साथ में, कि है जैसे जाते हैं ना बहनों के साथ, भाई जाते हैं, जो हमारा ट्रेंड है कि बहन को अकेले नहीं छोड़ना है, ऐसा वाला। तो सेफ्टी के लिए जाते हैं हम, चाहे छोटे से होते बट होते बॉडीगार्ड हैं कि कोई देख भी ले तो फोड़ देते हैं। तो वैसे ही मैं गया था साथ में, तो ऑडिशन वालों ने जो मेरे साथ में ग्रुप में गए थे सारे फ्रेंड्स, तो उनको मना कर दिया कि नहीं नॉट फिट, और मुझे बोला यार फिट, और मेरी हार्ट बीट ऐसी हो गई थी कि अरे नहीं नहीं भाई नॉट फिट, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं देना, मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ से भाग गया। और फिर पता नहीं कहाँ से सबने बोला कि नहीं यार देखो ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑडिशन याद है मुझे, एक ऑफिस में गया था मैं, तो उन्होंने बोला से योर प्रोफाइल, तो मैंने बोला हाय दिस इज़ बहुत भाई ट्राई किया कि मैं सिर्फ इतना नहीं बोल पा रहा था कि हाय दिस इज़ नमीश तनेजा, हाय दिस एंड माय एज इज़ दिस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस, तो मैं इतना सा नहीं बोल पा रहा था इन प्रोफाइल सर, तो ये नहीं बोल पाया था मैं। तो फाइनली उन्होंने कहा इट्स ओके, आप ऐसा करो आप लिख तो दोगे ना, मैंने कहा हाँ भाई मैं लिख दूँगा। तो ये एक्सपीरियंस था, फिर वहाँ से एक मोटिवेशन मिल गई कि यार क्या है कि डिफ़िकल्ट थोड़ी ना है, ट्राई करो। तो मेहनत करनी शुरू की, और आई थिंक मैं 1.5 साल तक बोलता रहा था हाय दिस इज नमीश चनेजा, माय एज इज दिस, माय हाइट इज दिस एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस एंड दिस आर माय प्रोफाइल्स।
तो 1.5 साल तक मैंने प्रैक्टिस की है और आज भी कभी कभार मैं बोलता हूँ मेरे के सामने कि ऐसा तो है, हार्डवर्क होता है बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। वैसे नमीश, यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉप दिख रहा है। वैसे हमने आपका फर्स्ट ऑडिशन तो देखा नहीं था, तो यहाँ अगर मैं आपको कहूँ इस प्रॉप के साथ आपको आपका ऑडिशन देना है तो किस तरह से यूज़ करेंगे? मसाला वालों, पैसे वसूल कर लो। अगर ये है तो अगर चलो इसका, अरे क्या बोलते हैं, सीढ़ी ले लो, सीढ़ी इतना बड़ा सीढ़ा ले लो। तो नहीं, इसको लेके कोई एक्टिंग नहीं हो सकती है, बट हाँ मेरी गर्लफ्रेंड अगर ऊपर हो, मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर भी सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसा करो, मैं एक्ट करता हूँ, बट एक ही मेरी क्या बोलते हैं दरख्वास्त है कि आपको ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं आपके पीछे आता हूँ। नो 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 नो, आपका ये ऑडिशन आपका है। ऑडिशन मेरा है बट मेरी हीरोइन भी तो होनी चाहिए ना। जस्ट इमेजिन योर हीरोइन इज समवेयर देयर। अजी सुनती हो? अरे हम आए हैं, हम आए हैं तुम्हारे होने वाले पति। अरे आ जाओ हमारे पास, देखो हम तुम्हारे लिए सीरियस है। अरे तुम्हारे लिए दारू भी पी ली हमने थोड़ी सी। कोई बात नहीं, दारू पी तो क्या हुआ, हम आएंगे ऊपर। अरे तेरी तो, ए आ जाओ नीचे। नहीं हरी, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई कॉल यू बैक। नमिश की सक्सेस की सीढ़ी को लेकर क्या कहेंगे, आगे कितनी कितनी ऊपर जाने का इरादा है, क्या है? एक ऊपर एक बंदा बैठा है जो मुझे देख रहा है कि मैं कुछ भी मूवमेंट करता हूँ तो हर चीज़ पे, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे साथ भी होगा। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत पहले अपनी लाइफ में मिल गए हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर हम डॉगी को किक भी मारेंगे ना तो हमें पीछे से किक पड़ेगी, तो हमें कुछ लाइफ में गलत नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि वो देख रहे हैं ऊपर बैठे हुए। तो अगर जितनी जल्दी आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई ऊपर कोई बैठा है एक इंसान जो तुम्हारे को ऐसे बैठ ऐसे देख रहा है, तुम गलत करो तो, और अच्छा करोगे तो हेल्प भी बहुत करते हैं। तो बस ये है कि अच्छा करते रहो, विल हेल्प यू, और जितना हो सके अपनी फैमिली के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, और वहाँ से जो रिफंड आ जाएगा ना, यू कांट एक्सपेक्ट, जैसे मुझे मिल रहा है, तो बस यही है कि अच्छा करते रहो, अच्छा होता जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। कैमरामैन फजान के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला। थैंक यू।